मुंह से बांस आने का ऑब्सेशन, इसके बारे में चर्चा करते हैं आज एक पेशेंट के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में मुंबई अकोला में यहां प्रैक्टिस करता हूं। एक लड़का मेरे पास में आया अप्रोक्सीमेटली 30 साल का, और उसको प्रॉब्लम यह है कि वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे मुंह से बांस आती है गंदी। तो एक्चुअली उसको मतलब वो टेस्ट करता है, बताता है लोगों को, मेरे बांस लेके देखो, तो बोलता है बांस तो कुछ भी नहीं आ रही मुंह की, मगर उसको लगता है कि बांस आ रही, और वो उसके बार 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 विचार आते। फिर वो बांस नहीं आना चाहिए करके वो किसी के पास में जाता नहीं, किसी के साथ में बातचीत नहीं करता, कहीं बाहर जाता नहीं, क्यों लगता कि भाई मेरे मुंह से बांस आ रही गंदी, तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे टालेंगे, लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं तू चले जाए यहां से, तो फिर मैं जाता ही नहीं हूं। अच्छा, फिर कहीं जाने का मौका ही आ गया तो फिर वो बहुत ज्यादा तंबाकू खाएगा, या फिर सेंटेड सुपारी, या ऐसे कोई मतलब अलग अलग पदार्थ खाएगा कि जिससे मुंह का बांस जो है वो एक अलग से आएगा, मतलब इलायची खा रहा है या पान खा रहा है। सुपारी तो इतनी, वो सेंटेड सुपारी इतनी खाता है वो कि अभी उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो रहा है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस का मतलब ऐसा है कि यहाँ जिवा के जबान के नीचे ऐसा ये सब पूरा कड़क हो जाता अंदर से, और फिर वो कड़क हो गया तो जो मूवमेंट है आ करने की वो आ नहीं होता, मतलब आ नहीं कर सकता हो, क्योंकि वो सब अंदर से कड़क हो जाता है पूरा, तो वो सुपारी खाने से होता है, तो वो उसको वो हो गया। अच्छा, उसको अभी ये विचार आते हैं उसके साथ साथ कि उसके जो इर्द गिर्द के लोग है ये उसको ऐसा बोल रहे हैं कि तू तंबाकू इतना खा रहा है, इतना तंबाकू क्यों खाना चाहिए, तेरे मुंह से भी बांस नहीं आ रही है। तो मैंने उसको बोला वो ऐसा बोलते हैं क्या, बोले नहीं ऐसा बोलते नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलते होंगे, और वो विचार मुझे आते, वो एक्चुअली मालूम है कि वो बोलते नहीं, बोले वो तो पास में भी आते नहीं। अच्छा, फिर उनकी आवाज तुमको आती है क्या, बोले आवाज भी नहीं आती, बस उसको विचार आता है कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग है, भाई बहन है या जो कजिन्स है, वो ऐसा बोलते होंगे कि इतना तंबाकू खाता है इसके मुंह से बांस नहीं आ रही है। बोले मैं तो परेशान हूं, पिछले 10 साल से चालू है ट्रीटमेंट, इधर उधर घूम रहा है और उसका कुछ इलाज हो नहीं रहा है, घर में बैठे रहता है, काम धंधा कुछ भी नहीं है, बस मुंह से बांस आता है, सुपारी खाते जाना, सेंटेड सुपारी खाओ, तंबाकू खाओ, ताकि उसको लगता है कि अभी बांस नहीं आएगा, और फिर टाइम पास करो। बहुत ज़्यादा परेशान, और फिर मेरे पास में आया। अभी ये है कि उसको वो डिल्यूजन है कि मुंह का बांस आ रहा है, एक पक्का विचार वो है कि ऑब्सेशन है। ये डिफ्रेंशिएट करने में हमारा कौशल जो वो लगता है एज ए साइकियाट्रिस्ट। तो मैंने ये डायग्नोज किया कि ये उसको ऑब्सेशन है, मतलब ये विचार आ रहा है, एक्चुअली उसको ऐसा कुछ भी नहीं, और वो डिल्यूजनल लेवल पे भी नहीं, और वो उसको विचार आता है, और वो भी विचार है कि लोग मेरे बारे में ऐसा कुछ तो भी बोल रहे हैं, ऐसा विचार आ रहा है, बोलते नहीं है। तो फिर उसको मैंने बोला कि भाई आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और उसका इलाज करना जरूरी है। बोले ठीक है, मैं आप जो बोले वो करने को तैयार हूं। अभी तो उसने इतनी बड़ी फाइल रखा मेरे सामने, काफ़ी अलग अलग जगह की फाइल्स थी 5-6, और सब तरह की ट्रीटमेंट, सब तरह की मेडिसिन उसको दे चुके थे। मैंने उसको बोला कि देखो, मैं आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दूंगा, मैं आपको हिप्नोथेरेपी दूंगा, और मैं आपको मेडिसिन दूंगा, स्पेशली SSRIs और फिर क्लोमिप्रामीन जैसी मेडिसिन। तो ठीक है, मैं आप जो बोलेंगे वो लेने को तैयार हूँ, आप मुझे सुझाव कीजिए। तो उसको मैंने मेडिसिन दिया, और अभी उसका फॉलोअप करने के लिए जब एक दो बार आया तो बोले मेरे को काफ़ी फ़र्क लग रहा है, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी हाई डोज दिया जो ऑलरेडी ले रहा था, और डोज बढ़ा दिए। जैसा मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ क्लोमिप्रामीन का 200 से 300 मिलीग्राम पर डे, SSRI जो है फ्लॉक्सिटिन जैसी दवाई वो हम 40 से 60 मिलीग्राम से 80 मिलीग्राम पर डे उसका इस्तेमाल करते हैं, और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ CBT और हिप्नोथेरेपी दिया तो उसको फ़ायदा हो गया। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जिनको ये ऑब्सेशन की बीमारी है, बार बार विचार आते रहते हैं और वो विचारों से परेशान है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो आप। मैं उनको ये भी बताता हूँ CBT में कि भाई देखो ये विचार आप ला रहे क्या, बोले नहीं मैं तो नहीं ला रहा हूँ। विचार ऑटोमेटिक आ रहे, बोले हाँ ऑटोमेटिक आ रहे। फिर जब ये ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं, आप नहीं ला रहे, तो फिर आप कैसे गायब कर सकेंगे, आप गायब ही नहीं कर सकते। तो अभी आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि जो विचार आ रहे हैं, मैं उसको बोलता हूँ हरदम ऑटोमेटिक थॉट मशीन ATM, तो ये ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी जो है वो ऑटोमेटिक थॉट पैदा कर रही है, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं है, आपने उसको निग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, और जितने पॉजिटिव सकारात्मक सूचना दे सकते हो उतने देते जाना है उस समय, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो उसको फ़ायदा हो रहा है, और डेफिनेटली इस तरह से इलाज करते हैं तो OCD के सभी पेशेंट अच्छे हो सकते हैं।
वीडियो शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।